कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में इस समय भारत जोड़ो यात्रा शुरू है। अब यह यात्रा महाराष्ट्र में शुरू है। इस यात्रा के दरमियान सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी बांधव यह वनवासी नहीं देश के सही मालिक है। आगे और क्या कहा सांसद राहुल गांधी ने, चलिए देखते हैं इस खबर में। देश में सर्वप्रथम आदिवासी बांधव का वास्तव्य था, इसलिए आदिवासी बांधव ये देश के सही मालिक होकर वनवासी नहीं है, ऐसा प्रतिपादन सांसद राहुल गांधी ने व्यक्त किया। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान बोराड़ा हिस्से फाटा वाशी में सांसद राहुल गांधी ने के पुतले का पूजन कर अभिवादन किया। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, चरमराई अर्थव्यवस्था, किसान आत्महत्या, धार्मिक तथा जातीय भेदभाव फैलने का वातावरण, साथ ही देश के संविधान ने दिए दलित आदिवासी ओबीसीयों के संविधानिक हक को अबाधित रखने के लिए तथा देश में जाति धर्म का एक दूसरे के प्रति आदर निर्माण हो और देश में सर्वधर्म संभाव ये कायम रहे, इन सब बातों को लेकर सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर यह पदयात्रा निकाली है। यह पदयात्रा 7 नवंबर से 20 नवंबर तक महाराष्ट्र में चल रही है। इसी दरमियान 15 नवंबर को यह यात्रा वाशिम जिले में आने वाली थी। इस औचित्य को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस तथा महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने 15 नवंबर को वीर बिरसा मुंडा जयंती मनाने का निश्चय किया, जिसके अनुसार 15 नवंबर को वाशिम हिंगोली महामार्ग बोराड़ा हिस्से फाटा गुरुद्वारा के पास बड़े उत्साहपूर्वक वीर बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। महाराष्ट्र राज्य के साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, इस राज्य से कुल 25,000 से 30,000 लोग उपस्थित थे। इस सभा में सांसद राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि भाजपा तथा आरएसएस यह आदिवासियों के नैसर्गिक हक को नजरअंदाज करने के लिए आदिवासियों को वनवासी करके संबोधित करते हैं। आदिवासी यह वनवासी न होकर देश के मूल निवासी हैं। बिरसा मुंडा यह सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और उन्होंने देश के जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए ब्रिटिशों के साथ लड़ाई लड़ा। वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कार्यक्रम का प्रस्ताविक अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट शिवाजी राव मोघे ने किया। वही सूत्र संचालन महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर नामदेव राव उसेंडी ने किया। इस कार्यक्रम के लिए भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक जयराम रमेश, दलित आदिवासी ओबीसी राष्ट्रीय समन्वयक के राजू, महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, विधि मंडल के नेता बाड़ा साहब थोरात, पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव आशीष दुआ, पूर्व मंत्री वसंत फुरके, सांसद बड़वो दानोरकर, विधायक अमित जनक, पूर्व मंत्री अनिस अहमद, विधायक डॉक्टर वसाद मिर्जा, विधायक शिरीष नाइक, विधायक सहसराम करोटे, जिला परिषद वासी उपाध्यक्ष चक्रधर गोटे, महासचिव छत्तीसगढ़ शैन्द्र कर्मा, नुलिका कर्मा, शंकरलाल बोढ़ाक, हसन भाई गिलानी, मनोहर पोर्टी, जितेंद्र मोगे आदि हजारों की संख्या में आदिवासी बांधव उपस्थित थे। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि सोमनाथ तुईके की रिपोर्ट।